पुलकित सम्राट और ऋचा चड्ढा की नई फिल्म फुकरे रिटर्न्स बॉक्स ऑफिस पर काफी धूम मचा रही है। फुकरे रिटर्न्स और इसकी सफलता ने स्पष्ट रूप से सिद्ध किया है कि 2017 कॉमेडी सीक्वल का साल था। मृगदीप सिंह लांबा की पंथ कॉमेडी फिल्म अनमोल रत्न बनी है, क्योंकि जानने में आया है कि उसने 50 करोड़ को पार किया है। व्यापार विश्लेषक तारण आदर्श ने हाल ही में ट्विटर पर शेयर किया है कि फुकरे रिटर्न्स ने अपने दूसरे सप्ताह के अंत में भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 59 करोड़ रुपए कमाए हैं। रविवार के अंत में आदर्श को उम्मीद है कि फिल्म अगले सप्ताह के अंत तक किसी अन्य प्रमुख फिल्म रिलीज की अनुपस्थिति के साथ 65 करोड़ रुपए के छूने की संभावना है, जो कि सलमान खान कैटरीना कैफ की भूमिका निभाने वाले टाइगर जिंदा है थिएटर्स को मारेंगे। फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी के एक्सेल मनोरंजन द्वारा निर्मित फुकरे रिटर्न्स ने 8 दिसंबर को रिलीज होने के बाद से बॉक्स ऑफिस पर लगातार बढ़ोतरी देखी। फिल्म में प्रमुख भूमिकाओं में रुचि चड्ढा, पुलकित सम्राट, अली फजल, वरुण शर्मा और मनजोत सिंह है, और फुकरे फ्रेंचाइजी की इस दूसरी पार्ट में उनकी भूमिकाओं को फिर से देख रहे सभी कलाकारों ने सफलता प्राप्त की है। फुकरे रिटर्न्स निर्माता फरहान अख्तर ने हाल ही की एक घटना में फिल्म की सफलता के बारे में भी उत्साह व्यक्त किया और कहा, मैं दर्शकों को फुकरे रिटर्न्स को प्राप्त करने के तरीके से बहुत खुश हूँ। इस तरह फुकरे रिटर्न्स की टीम को दर्शकों ने भारी मात्रा में पसंद किया है।